मैं सेट कर दूंगा। अभी सेट मत कीजिए, ये सब डालिएगा नहीं। सवाल सुन लूं, जवाब सेंटर में दे दूं। हाँ, किस तरह से इस कॉज को देखती हैं आप और किस तरह से आप जुड़ी हुई हैं? मैं आज इस इवेंट को होस्ट कर रही हूँ, जो कि मेरा सौभाग्य है, क्योंकि ज़्यादातर काम हम अपनी खुशी के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए करते हैं या आर्टिस्टिक सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। बहुत कम काम कर पाते हैं हम जिससे किसी और का फ़ायदा हो, और वो फ़ायदा है छोटे बच्चों का। जेनेसिस फाउंडेशन, आज की शाम CEOs जो बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं, उनको अपनी फेवरेट हॉबी यानी कि गाने के थ्रू फंड्स कलेक्ट कर रही है, और ये बहुत ही फेमस, सक्सेसफुल और पावरफुल व्यक्ति हैं, महिलाएं और आदमी, जो आज शाम को गाएंगे, और वो जो फंड्स कलेक्ट होंगे वो बच्चों के वेलफेयर के लिए जाएंगे। तो आई एम डिलाइटेड दैट आई एम होस्टिंग दिस इवनिंग एंड वेरी हैप्पी दैट जेनेसिस फाउंडेशन गिव मी दिस चांस। कितना अलग एक्सपीरियंस होता है ऐसे शोज का एंड ऐसे प्रोग्राम्स का? आई थिंक बहुत ज़्यादा मुझे बोलना नहीं चाहिए इस बारे में, क्योंकि इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं एक शाम को एक फंक्शन होस्ट कर रही हूँ। जो लोग इस फाउंडेशन से जुड़े हैं वो बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ लगा दी हैं इस काम में। बहुत थोड़ी सी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है कि मैं एक शाम को कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर पा रही हूँ, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम डूइंग इट। आई थिंक जिस तरह से इस शाम का स्ट्रक्चर है, इट्स ऑल अबाउट फन। आप एक चैरिटेबल कॉज से जुड़े हैं, बट बहुत सीरियस या गमगीन फील नहीं है उसका। CEOs अपने फेवरेट गाने गाने वाले हैं एंड इट्स गोइंग टू बी अ ब्लास्ट। कुछ समय पहले एक पॉलिटिकल पार्टी ने एक ऑर्गेनाइज किया था कैंसर, एक पॉलिटिकल पार्टी ने ऑर्गेनाइज किया था एक कैंसर पेशेंट्स जो बच्चे हैं उनके साथ एक मेरी फिल्म की स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज की थी, बिकॉज दे रियली लाइक दैट फिल्म, और मैं नहीं देख सकी उनके साथ बिकॉज इट वॉज जस्ट टू डिफ़िकल्ट टू सी इट। लाइफ की कुछ सच्चाइयाँ होती हैं जो हमें पता हैं, और हमें पता है कि ये सच है और ये बीमारी होती है और इसके इलाज में पैसे लगते हैं, और वो पैसे जुटाने में एक्टर्स एक्ट्रेसेस मदद कर सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं, पर जब प्रैक्टिकल रियलिटी में वो बात फेस टू फेस आप देखते हैं उन बीमार बच्चों को, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एटलीस्ट फॉर मी टू सी दैट वेरी इजीली। मेरे को बहुत मुश्किल होता है, तो मैं उठ के चली गई, बाहर वेट करती रही जब शो ख़त्म हुआ, और मैं उनसे बातचीत की, फिर भी मैं रो पड़ी। सो आई एम नॉट वेरी गुड विद दैट। सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, सेंसरशिप नहीं। हम बच्चे नहीं हैं, 2016 है ये। आप लोगों को ये नहीं बता सकते कि आप ये देखिए और आप ये मत देखिए, क्योंकि ऑडियंस मैच्योर है और वो खुद बखूबी जानती है क्या देख सकती है और क्या नहीं देख सकती, या पेरेंटल गाइडेंस होनी चाहिए, UA सर्टिफिकेशन होना चाहिए, ये सर्टिफिकेशन होना चाहिए। आई डोंट थिंक, आई बिलीव इन सेंसरशिप एट ऑल, ऑफ बुक्स, ऑफ फिल्म, ऑफ एनीथिंग। थैंक यू सो मच। फॉर मोर न्यूज़ एंड गॉसिप, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बॉलीवुड हेल्पलाइन।